जैसा कि दोस्तों आप इस गाड़ी को देख रही है हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 वाली मॉडल। आज हम बात करें इस गाड़ी के बारे में, 9 ऐसे सवाल के बारे में जो आपके द्वारा पूछे जाते हैं। तो आपने पूछे हैं ऐसे 9 सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ सारे सवाल के जवाब कि इसके जगह पर आप कौन सी गाड़ी ले सकते हैं, माइलेज क्या है, HF डीलक्स सही है या नहीं। तो सारी बातें जानने के लिए वीडियो दोस्तों लाइक करके अंत तक बने रहेगा ताकि आपको पता चले कुछ ऐसे बातें जो आपने पूछी है। तो बात करेंगे सबसे पहले बात के बारे में जो आपके द्वारा पूछे गए सवाल, वो है कि माइलेज कितना देती है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि BS6 में आने के बाद से जो इंजन रिफाइनमेंट हो जाती है काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर माइलेज देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे रियल माइलेज के बारे में, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल ही नई गाड़ी की अगर हम बात करेंगे जो शोरूम से निकाल कर टेस्ट की जाती है, तो उसमें आपको दोस्तों बिना ट्रैफिक के शहर में देखने को मिलेगी 60 से लेकर 65 KMPL तक की माइलेज। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इसे हाईवे पर चलाते हैं तो आपको 70 के ऊपर आपको माइलेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिर भी दोस्तों आपको कहना चाहूँगा, अगर आप इसे ट्रैफिक में चलाते हैं, बार बार आप क्लच और गियर लेते हैं, तो आपको दोस्तों माइलेज में अंतर देखने को मिल सकता है। और जैसे कि दोस्तों आप भी जानते हैं कि गाड़ी की माइलेज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है गाड़ी चलाने वाले के ऊपर, कैसे वो गाड़ी चलाते हैं, कितनी स्पीड पर चलाते हैं, कितनी बार वो ब्रेक लेते हैं, क्लच कितने यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि BS6 की स्प्लेंडर में आपको क्या माइलेज यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगले सवाल की बात करेंगे, स्प्लेंडर प्लस के BS6 में हमें कितनी सारी मॉडल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं BS6 की स्प्लेंडर में आपको मिलता है 3 मॉडल। पहला आपको मिलता है किक एलॉय IBS, सेल्फ एलॉय IBS। तीसरा आपको मिलता है सेल्फ एलॉय i3 भी थे IBS। दोस्तों आपको ये बातें पता होनी चाहिए गाड़ी में आपको कितनी मॉडल देखने को मिलती है, ताकि आप पता कर पाए कि किस गाड़ी की कीमत क्या है, कौन सी मॉडल की, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि आपके लिए कौन सी गाड़ी यहाँ पर सही साबित हो जाती है। किक की बात करेंगे, इसमें आपको दोस्तों एलॉय व्हील आपको देखने को मिलेगा, स्पोक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सेल्फ स्टार्ट इस वाली मॉडल में देखने को नहीं मिलेगा, केवल आपको किक स्टार्ट ही मिलेगा, और सेफ्टी के लिए IBS यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दूसरी मॉडल की बात करेंगे, इसमें आपको दोस्तों सेल्फ स्टार्ट भी देखने को मिलेगा, एलॉय व्हील भी आपको देखने को मिलेगी, IBS आपको मिलेगा ही। अक्सर दोस्तों लोग जो है यही वाली मॉडल को परचेस करते हैं। फिर हम बात करेंगे स्प्लेंडर के टॉप मॉडल के बारे में, वो है सेल्फ स्टार्ट मिलेगा, आपको एलॉय व्हील मिलेगी, साथ ही आपको दोस्तों माइलेज को बचाने के लिए मिलेगी आपको हीरो की i3s वाली टेक्नोलॉजी, और सेफ्टी के लिए आपको IBS यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे तीसरे सवाल के बारे में जो अक्सर पूछा जाता है, वो है दोस्तों इसके जगह पर हम HF डीलक्स खरीदे क्या। तो आपको दोस्तों कहना चाहूँगा दोनों ही गाड़ी माइलेज के लिए बहुत ही बेहतर है, साथ ही आपको मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करेंगे वो भी काफ़ी हद तक कम आती है दोनों ही गाड़ी की। लेकिन अगर हम बात करेंगे एग्जैक्ट कंपेयर के बारे में, दोनों में क्या हमें कंपेयर देखने को मिलता है, तो पहली बात है जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत लोग कहते हैं कि स्प्लेंडर के सामने HF डीलक्स थोड़ी सी छोटी यहाँ पर देखने में लगती है स्प्लेंडर के सामने। दूसरे बड़े रीजन के बारे में बात करेंगे, वो है दोस्तों सीट हाइट। जी हाँ दोस्तों, स्प्लेंडर के कंपेयर में हीरो के HF डीलक्स जो है उसकी सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो अगर आपकी हाइट कम है तो आपको लेना पड़ेगा स्प्लेंडर। लेकिन अगर आपको HF डीलक्स पसंद आती है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये कुछ दोस्तों आपको यहाँ पर कारण देखने को मिल जाती है दोनों ही गाड़ी को लेकर कि कौन सी खरीदें। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। हेलो दोस्तों, अगर आप कार और बाइक के बारे में सही न्यूज जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए आगे बढ़िए। अगर हम बात करें अगले सवाल के बारे में, वो है दोस्तों टायर कौन से मिलते हैं। तो आपको बता दें इसमें आपको दोस्तों मिलता है सामने और पीछे की तरफ 80 से 18 के आपको दोस्तों ट्यूबलेस टायर यहाँ पर देखने को मिल जाती है स्प्लेंडर प्लस में, जो बहुत ही शानदार बात है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है डिजिटल मीटर के बारे में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्या इस गाड़ी में हमें मीटर कौनसोल डिजिटल देखने को मिलता है। तो आपको बता दोस्तों नहीं दोस्तों, इसमें आपको स्पीडोमीटर टैकोमीटर दोनों ही आपको दोस्तों एनालॉग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फ्यूल की इंडिकेशन की बात करें वो भी आपको दोस्तों वहाँ पर कांटे वाली ही देखने को मिलती है। इंजन किल स्विच की बात करें वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है, और साथ ही आपको क्लॉक भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको FI इंडिकेटर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिर बात करेंगे अगले सवाल के बारे में, वो है दोस्तों कि बिना रुके हम इस गाड़ी को कितनी किलोमीटर तक चला सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं ये वैरी करती है सिचुएशन के ऊपर, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि स्प्लेंडर प्लस के BS6 में हमें 9.8 लीटर के हमें यहाँ पर फ्यूल टैंक देखने को मिल जाती है, तो इसके हिसाब से आप लगभग इसे 700 से लेकर 800 किलोमीटर तक आप इसे चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहना चाहूँगा ये डिपेंड करती है राइडिंग कंडीशन के ऊपर कि आपकी सड़क कैसी, ज़्यादा सड़क खराब है तो आप दोस्तों इतनी इसको लंबी दूरी तक नहीं आप चला पाएंगे। फिर अगर आपने डबल लोड लिया है फिर भी ये पॉसिबल नहीं है, तो दोस्तों किसी खास कंडीशन में ही आप इसे 700 से लेकर 800 तक चला सकते हैं। लेकिन ऐसी बात करें दोस्तों आपको बता दें कि 200 के बाद अगर आप इसे रेस्ट देते हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन ये जो आप दोस्तों किलोमीटर देख रही है टैंक के फ्यूल के हिसाब से आपको बताई जा रही है, इसमें दोस्तों आपको बदलाव संभव हो सकती है कंडीशन के ऊपर। अगले पॉइंट की बात करेंगे, वो है साइड स्टेन इंडिकेटर के बारे में, क्या हमें देखने को मिलता है BS6 स्प्लेंडर में साइड इंडिकेटर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो आपकी बार जो नई वाली आई है स्प्लेंडर प्लस, उसमें आपको दोस्तों साइड स्टेन इंडिकेटर भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों बात करें जब इसकी आई
थी एच वाली मॉडल BS4 में, उसमें भी आपको देखने को मिल चुका था सारे स्टैंड इंडिकेटर, लेकिन आपको अब जो है कंपलसरी हो गई है लगभग से सारी गाड़ी में आपको ये वाले इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाए, तो अब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा सारे स्टैंड इंडिकेटर। सवाल की बात करेंगे एक्सेसेंस आने के बाद से क्या गाड़ी की दोस्तों माइलेज बढ़ गई है। जी दोस्तों हम बात करेंगे एक्सेसेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आपको बता दें इसके आने के बाद से गाड़ी में दोस्तों आपको बता दें काफ़ी माइनर और मेजर आपको चेंजेस यहाँ पर देखने को मिली है। कई सारी सेंसर को इंक्लूड किया गया है जिसके चलते गाड़ी दोस्तों सेंस कर पाती है कि कितने उसको जो है वो टॉर्क जनरेट करनी है और कैसी सड़क की कंडीशन है, कहाँ पे उसे जो है अपने पावर को बढ़ाना है, सारी बातें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और FI आने के बाद से एक्सेंस के साथ आपको FI भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो गाड़ी की माइलेज को भी बढ़ाती है क्योंकि दोस्तों इंजन जो है रिफाइंड हो चुकी है, तो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर माइलेज भी देखने को मिली। साथ ही परफॉर्मेंस की बात करेंगे वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गए हैं इसके आने के बाद से। दोस्तों आपको बता दें कि गाड़ी दोस्तों फील कर पाती है, गाड़ी अगर अप पे चढ़ रही है तो आपको वहाँ पर थ्रॉटल जो है काफ़ी अच्छी आपको वहाँ पर वर्क करने के लिए सहूलियत यहाँ पर प्रदान करती है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो काफ़ी हद तक कम आ गई है, तो यानी कि ये बात दोस्तों सही है कि आपको एक्सेंस आने के बाद से माइलेज आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। फिर हम बात करें कीमत के बारे में, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताता रहता हूँ कि कीमत आपको क्या देखने को मिलती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कीमत में दोस्तों बदलाव होती रहती है हर 2 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद GST के रेट में चेंजेस हो तो आपको कीमत में बदलाव देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करेंगे अभी के समय में कि ऑन रोड कीमत के बारे में, तो अगर आप रहते हैं UP के बलिया जिले में तो आपको पड़ेगी किक एलॉय BS6 वाली मॉडल की ऑन रोड कीमत बलिया में 77,502 रुपये। सेल्फ स्टार्ट वाली मॉडल की बात करेंगे उसकी आपको पड़ेगी ऑन रोड कीमत 79,000। फिर बात करेंगे सेल्फ एलॉय वाली मॉडल के बारे में, BS6 वाली वेरियंट जो काफ़ी ज़्यादा परचेस की जाती है उसकी आपको पड़ेगी ऑन रोड कीमत 79,941 रुपये। फिर हम बात करेंगे स्प्लेंडर के सबसे टॉप मॉडल के बारे में, वो है सेल्फ एलॉय i3S BS6 वाली मॉडल, इसकी आपको दोस्तों पड़ेगी लगभग ऑन रोड कीमत 81,000 रुपये तक की। ये दोस्तों आप कीमत देख रही है यूपी के बलिया जिले की कीमत, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कौन सी गाड़ी इसमें से आपको कीमत के हिसाब से फिट बैठती है। अगर बात करेंगे रिकमेंडेशन के बारे में, मैं आपको दोस्तों रिकमेंड करूंगा आप ले सकते हैं सेल्फ एलॉय वाली मॉडल, अगर आपको माइलेज बचानी है तब आप ले सकते हैं i3S वाली मॉडल, लेकिन आप जो है सेल्फ एलॉय लेकर कुछ अपने पैसे बचा सकते हैं और गाड़ी काफ़ी शानदार जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, आपको कुछ यहां पर जानकारी मिली होगी गाड़ी कैसी है, कितनी आपको माइलेज देती है, किस कंडीशन में हम इसे चला सकते हैं, कितने हम अपने रुपये बचा सकते हैं। तो ये सवाल आपको कैसे लगे हैं जो आपने पूछे थे, सभी के जवाब मैंने यहाँ पर दे दी है। तो ऐसे ही दोस्तों किसी भी गाड़ी के बारे में ऐसे आपके पास कुछ सवाल हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको दोस्तों आने वाले समय में वीडियो के फॉर्म में आपको मैं बता दूंगा कि क्या आपको इसमें बदलाव या फिर क्या जो आपने सवाल पूछा है क्या उसके जवाब है। तो ऐसे ही शानदार वीडियो हमेशा पाने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा दोस्तों में, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को अपने सवाल के जवाब यहाँ पर जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।